Si que está bien. Oy, no, ah, padre. ¿Fuertele? ¿A qué hora gente está en él? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि आप ज़्यादातर जो है ना व्लॉग में उर्दू बोलें। तो आज से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उर्दू में बात करूँ, बिकॉज़ ये है कि जो पंजाबी है वो हमारी मादरी ज़ुबान है। तो बेसिकली तो मैं पंजाबी कल्चर को प्रमोट करता हूँ और मेरा व्लॉग का जो मकसद है वो भी यही है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ख़ास है और आप देखेंगे तो आप इससे लुत्फानंदोज़ भी होंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो चलते हैं अज के व्लॉग तुम दसन लगे हैं कि जी साढ़े सामने जरा देखो, ये भी एक कलोनी कट्टी गई, लेकिन ये जी है ना जरई फरानखा जरई ये जमीन सी। पहले तो गंदम वगैरह जड़ा है, कनक हो गई, मुंजी हो गई, तो मौसमी जड़ा भी यानी कि कुछ आती सी फसल वो इतने काश्त होती सी। सारी कलोनी बन गई हूँ, ये तो कई बल्कि मैं तो कहना 50-60 साल तक बल्कि ता हयात ये कलोनी रहेगी इतने, ना तो कोई फसल इतने काश्त की जा सकती। हूँ आ देखो ना आ भी तो फसल खड़ी हुई है, इनका सब तो ज्यादा जो लॉस ये है कि रिसर्च ने भी आख्या आज तू तक 20 साल बाद अनाज की इन्नी कुछ ज़्यादा किल्लत हो जानी है ना, आप सोच नहीं सकते भी बंदे को जिस बंदे को चार एकड़ तो मुराद दो एकड़ यानी उनके तो मुराद ये है कि जिंदे को इन्नी कुछ जमीन होगी कि आधा अनाज वो उगा सके, वो माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा बंदा, यानी कि जमीना की इन्नी कुछ किल्लत हो जानी है। लोग इधर ही आवे बिल्कुल जाहरी पल हूँ, बल्कि पिंड कलोनिया बनना स्टार्ट हो गई पिंडा दे विच, स्टार्ट हो गया। हाँ एक वेखो सामने उत्थे भी एक कलोनी बनना स्टार्ट हो गई, तो बल्कि साढ़े स्टार्ट होगी सारी बन जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे लोग आवन, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नोटिस लवन ताकि जड़ा इन्हें ते काबू पाया जा सके। ये वक्ती तौर पर बिल्कुल जनाब अपना मुल्क जराई हो जराई बेस सारा हूँ। इस दफा जड़ा गंदम का रेट है वो किस वजह तो उत्ते आया, गंदम की किल्लत सी आपने मुल्क अपने मुल्क गंदम की किल्लत सी, तो इस वजह तो ही यानी कि उनका रेट जो है हूँ ये हर साल जोड़ा है ना रेट उपर आएगा, उनकी वजह यह है कि किल्लत है। तो ये गोरमेंट में खास तौर पर नोटिस लेना चाहिए। व्यूवर तुम भी दसो कि इन्हें तो लाजमी एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो जरई जमीन कलोनिया वगैरह बनाते हैं, बल्कि सानू तो यह चाहिए कि साड़ी जड़िया बंजर जमीन ने उन्होंने असं आबाद करिए, उन्होंने दरखेज करिए ताकि साड़ा मुल्क जोड़ा माली तौर पर मजबूत बने। लेकिन इस गवर्नमेंट कोई इनके बारे कोई ऐसा खास एक्शन ही नहीं ले रही, तो साढ़े जमीन जा रही है बन रही है सारी, बिल्कुल बन रही है सारी, नुकसान काफ़ी है ना, बेसिकली हमारा मुल्क मुल्क है सारा सारा स्पी बेस है हमारा। बस हम तो यही कहेंगे कि इस पे ज़रूर यानी कि कोई नोटिस एक्शन लिया जाए, थोड़ा सा एक्शन लिया जाए ताकि जो जरई ज़मीनें हैं हूँ जो अफगान खान ये रजवाया है ये यानी कि इनके रजवाए के अगर मोगे लगे हैं वो फिर इनका हिसाब किताब ये है कि जरा ना हफ्ते डे बाई डे यानी कि जिनी को जमीन होगी उस हिसाब न एक निज़ाम चलता पे उन्होंने घंटे किन्नी जमीन होगी उन्हें घंटे पानी दिता जाएगा, तो जवाइन के जरिए यानी कि आदि फसलों में पानी लगान के हफ्ते एक दफा, तो यह हूँ बंद है कि सर्दियों से पानी की इन्नी खास जरूरत नहीं होती, गर्मियों से सदा बार चल यानी कि जो अप्रैल हो गया जून जुलाई हो गया स्टार्ट हो जाएगा पानी आ रहा है। हाँ हैड सुलेमान की जोड़ा है अपना उसे आ रहा है सीधा, पहले वो नहर आँगी नहर के बच्चों फिर आना रजवाया कटा गया स्कूल के पास। हाँ वैसे ना अज वेख्या जाए तो टेंपरेचर जो है ना फरान खान बहुत कम है। हाँ बहुत कम है, देखा 6-7 होगा मेरे ख्याल में, तो बारिश तो कह रहे हैं 12 तो बाद कह रहे हैं। नहीं यार 15 तो है। हाँ उस तो बाद थोड़ा कम सी हो जाएगा, मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, फॉग भी स्टार्ट हो गई है। हाँ फॉग भी स्टार्ट हो गई है, दुआ करो कि जड़ा है ना अल्लाह ताला धूप जड़ा बारिश आएगी तो फिर ही बारिश होगा कम से होगा बारिश के बाद ना, तो ऐसे वजह तो मौसम दी वजह तो ना काफी यानी के काम भी ज्यादातर लोगों ने काम रुक जाते हैं, फिर बात है जो रूटीन काफी है
रूटीन जो वैसे चल रही है उन्होंने इन्ना कुछ नहीं खास नहीं है तो बस दुआ करो कि अल्लाह ताला जड़ा ना धुप क्ढे तो जड़ी अपनी रूटीन वगैरह चल रही है उस हिसाब न फिर काम कार हो ये वो तो मेरे ख्याल है भी संद की वजह तो ही मोबाइल का भी कोई इन्ना खास यानी कि रिजल्ट वगैरह नहीं है। हाँ जी थोड़ा होता है बैक पड़े जाते हैं लाइट थोड़ी होती है थोड़ी सी ब्राइटनेस का ही होता है ना ज़्यादा अगर इतनी ज़्यादा होगी। हाँ सही चलें जी दुआ करते हैं कि धूप निकले और जो हमारी रूटीन है उसके हिसाब से फिर चला जाए तो फिर मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया जिन भाइयों ने जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह ही। हाँ सर हाँ तो बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।